मुझे मम्मी पापा के पास जाना है, बस यही कहकर रोता रहता है वो। नाम है उसका अनमोल। वो देवरिया नरसंहार में मौत के मुंह से वापस लौटा है। अनमोल बीआरडी मेडिकल कॉलेज में भर्ती है। डॉक्टर और नर्सेस 24 घंटे उसकी देखभाल कर रहे हैं, लेकिन मासूम अनमोल क्या जाने कि ये सब क्या हो रहा है। उसे तो बस मम्मी पापा चाहिए। दीदी भैया मिलने आ रहे हैं, पर मम्मी पापा क्यों नहीं है पास, इसी बात से परेशान है अनमोल। यूपी के देवरिया जिले के फतेहपुर में हुए हत्याकांड में घायल बच्चे की हालत में सुधार हो रहा है, लेकिन वो अचानक रोने लगता है। ऐसे में तैनात स्वास्थ्य कर्मी और पुलिस कर्मी उसे ढांढस दे रहे हैं, बता रहे हैं कि मम्मी पापा दोनों अस्पताल से बाहर हैं। ज्यादा परेशान होने पर उसे मोबाइल में कार्टून लगाकर देखने के लिए दिया जा रहा है, लेकिन बच्चा तो बच्चा है, उम्र उसकी सिर्फ 8 से 10 साल है। कार्टून से मन बहलता तो है, पर घर की याद नहीं भूलती। बार बार उठकर बैठने की कोशिश करने लगता है। नर्स उसे संभालती है। अनमोल के चेहरे पर दहशत और खौफ का भाव बता रहा है कि वो अनहोनी के खदशे से परेशान है। अनमोल के उपचार में डॉक्टर्स की टीम लगी हुई है। खबरों के मुताबिक पहले दिन उसके सीने, कमर, पेट और दोनों पैरों का एक्सरे कराया गया था। सीटी स्कैन में सिर के ऊपरी हिस्से में चोट की पुष्टि हुई थी। शुक्रवार को दोबारा सीटी स्कैन कराया गया। हालत तो बेहतरी की तरफ बढ़ रही है, लेकिन मासूम मन का क्या, उसे कैसे समझाएं? कौन समझाएं? अस्पताल में अनमोल को सुबह बिस्किट और चाय दिया जा रहा है। इसके बाद दाल का पानी और जूस भी उसे दिया जा रहा है। प्रतिदिन पेट का अल्ट्रासाउंड किया जा रहा है। डॉक्टरों का कहना है कि भोजन के पचने पर नजर रखी जा रही है। फल भी ज्यादा से ज्यादा अनमोल को दिए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि अनमोल पर एक मनोचिकित्सक लगातार नजर बनाए हुए है। कम उम्र में उस पर गमों का पहाड़ टूट पड़ा है, इसलिए बाल मन पर इसका बहुत बुरा असर न हो और वो इस सदमे से बाहर निकले, इस पर खास तवज्जो दी जा रही है। आपको बता दें कि 2 अक्टूबर की सुबह सिर्फ 20 मिनट के वक्फे में देवरिया जिले के फतेहपुर के रुद्रपुर में ऐसा खूनी खेल हुआ कि एक ही खानदान के 5 लोगों समेत कुल 6 लोगों की जाने चली गई। इस हत्याकांड में सिर्फ अनमोल बच पाया है, उसे भी जिंदगी के लिए काफी जद्दोजहद करनी पड़ी।